नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में इस दिन से कार्यरत होंगे 36 नए अधिसूचित उत्पाद थाने। पुरानी सड़कों की बिहार सरकार करवाएगी मरम्मत। इंटर में दाखिले के लिए इस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू। स्टार्टअप की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए यहां है बेहतर अवसर। सनराइजर्स हैदराबाद का गुजरात टाइटन से सामना। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हेड कांस्टेबल के 247 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से हेड कांस्टेबल के 247 पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के द्वारा अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया गया है, वह 21 मई 2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों से 60% अंकों के साथ 12वीं का परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मालूम हो कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मई 2023 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 मई 2023 कर दी गई है। बिहार में इस दिन से कार्यरत होंगे 36 नए अधिसूचित उत्पाद थाने। 26 अप्रैल 2023 को अधिसूचित हुए बिहार के 27 जिलों के 36 अनुमंडल में नए उत्पाद थाने 1 जून से पूरी तरह कार्यरत होंगे। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद थानों की कमान उत्पाद निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर के हाथों में रहेगी, और इनके अलावा थाने में 2 SI, 3 ASI और करीब 1.5 दर्जन उत्पाद सिपाही सहित 2 दर्जन पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि इन 37 नए थानों के कार्यरत होने से राज्य में कुल मिलाकर 80 उत्पाद थाने हो जाएंगे। मालूम हो कि इन पदाधिकारियों के पास बिना वारंट के तलाशी करने की सख्ती मौजूद रहेगी, जो कि उन्हें धारा 73 के अधीन मिला है। बता दें कि वर्तमान में कार्यरत अधिकांश उत्पाद थाना का वृहद क्षेत्राधिकार होने के कारण समुचित निरीक्षण आदि कार्य करने में कठिनाई हो रही थी, जिसकी वजह से जिला का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन नए उत्पाद थानों को खोला जा रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कुमार विमल के बारे में। कुमार विमल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले समालोचक तथा काव्य में सौंदर्य शास्त्र के आचार्य थे। वे प्रायः ही पुस्तकों से घिरे और लिखते पढ़ते ही देखे जाते थे। उनका जीवन साहित्य का पर्यायवाची था। साहित्य जगत में प्रोफेसर विमल को हिंदी का विश्वकोश माना जाता है। उनके दिलो दिमाग में साहित्य की देशव्यापी गतिविधियां हर समय तरोताजा रहती थी। विमल ने 1940 के दशक से लेखक जगत में पदार्पण किया। आलोचना पर उनकी पुस्तक मूल्य और मीमांसा तथा कविता संग्रह में अंगार तथा सागर माथा उनकी यादगार कृतियों में शुमार है। उनके हिंदी में कई कविताओं का अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, उर्दू और कश्मीरी सहित कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। कुमार विमल का राजेंद्र शिखर सम्मेलन सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के कई साहित्य सम्मान प्रदान किए गए। ज्ञानपीठ समिति ने भी उन्हें विशेष लेखन का सम्मान दिया था। इंटर में दाखिले के लिए इस दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो इस बार इंटर में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। मालूम हो कि जारी किए गए तिथि के अनुसार 17 से 26 मई तक छात्रों के द्वारा ऑनलाइन फैलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि OFSS पर पूरे बिहार के जिलावार कॉलेजों और स्कूलों की सूची डाल दी गई है। बता दें कि बोर्ड के द्वारा इंटर में दाखिले की शुरुआत सभी बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद की गई है। बोर्ड की माने तो छात्रों के आवेदन प्राप्त अंक और आरक्षण कोटी के आधार पर मेधा सूची जारी की जाएगी और इसके तहत ही छात्रों को कॉलेज या स्कूल आवंटित किए जाएंगे। वहीं जिन छात्रों के नाम मेधा सूची में उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें स्पॉट नामांकन के तहत एडमिशन दिया जाएगा। पुरानी सड़कों की बिहार सरकार करवाएगी मरम्मत। ग्रामीण सड़कों को बेहतर करने के लिए बिहार सरकार ने साल 2024 तक 8076 किलोमीटर लंबी सड़कों के मरम्मत का लक्ष्य रखा है। बता दें कि बिहार के कुल 38 जिलों में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क चयन किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार जिन सड़कों के मरम्मत किए जाने हैं वे लगभग 10 साल पुराने हैं। जिन ठेकेदारों को इन सड़कों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी उनकी जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है। इन सड़कों की हालत कई जगहों पर काफी जर्जर स्थिति में है। सड़कों को बेहतर अवस्था में लाने के लिए अब फिर से टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों का चयन किया जाएगा। उसके बाद उन्हें सड़क की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब इन सड़कों के मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा तब इसकी रिपोर्ट और फोटो जूनियर इंजीनियर को मुख्यालय में देने होंगे। यदि सड़क में किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो इसके जिम्मेदार भी जूनियर इंजीनियर होंगे।
आईसीएसई 2023 का रिजल्ट हुआ जारी। बीते दिन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि आईसीएसई के द्वारा 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस रिजल्ट में राज्य मेधा सूची में बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीएसई के द्वारा जारी किए गए 10वीं और 12वीं की मेधा सूची में राज्य मेधा सूची के अनुसार 10वीं के राज्य टॉपर सेंट पॉल्स हाई स्कूल दिघा पटना की छात्रा अक्षरा और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल जेठुली की छात्रा न्योनिका प्रसाद 90.40% अंक के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। वहीं 12वीं का राज्य टॉपर 99.5% अंकों के साथ सेंट जोसेफ हाई स्कूल भागलपुर का छात्र सक्षम डिडवानिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10वीं बोर्ड में पूरे राज्य से कुल 5,557 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से 99.50% बच्चे पास हो गए हैं। वहीं 12वीं बोर्ड में राज्य से कुल 956 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से 97.38% बच्चे पास हुए हैं। बांका के उड़नी डैम पर पर्यटकों को जल देखने को मिलेगी ये चीज। बांका के उड़नी डैम में अब जल्द ही बोटिंग के साथ साथ आप आइलैंड पर घूमने का लुत्फ भी उठा सकते हैं, क्योंकि जल्द ही यहाँ रिजॉर्ट का काम पूरा होने वाला है। बता दें कि इसके निर्माण में कुल 6,71,00,000 रुपए तक की लागत आई है। मिली जानकारी के अनुसार इसका निर्माण आने वाले जुलाई के महीने में पूरा होगा। पर्यटन को नया आयाम देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, जहां खाने पीने से लेकर घूमने और ठहरने का अच्छा स्पॉट मिलेगा। इसका निर्माण के बाद से बांका जिले में पर्यटनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक आंकड़े के अनुसार बिहार में मात्र इतनी है डिजिटल साक्षरता दर। डिजिटल साक्षरता के लिए कई तरह की योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ताकि भारत डिजिटल क्रांति में आगे बढ़ सके, लेकिन बिहार में डिजिटल साक्षरता दर को लेकर एक ऐसा आंकड़ा पता चला है जो हैरान कर देने वाला है। दरअसल NSSO की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15 से 29 साल तक के युवाओं में मात्र 14.7% युवा ही ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल जानकारी की समझ है। वहीं ठीक इसके उलट 41.7% इसका राष्ट्रीय औसत है। बता दें कि बिहार में मात्र 14.7% युवा ही ऐसे हैं जिन्हें ईमेल के साथ फाइल अटैच करके भेजने, फाइल फोल्डर को कॉपी करने या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने और सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करने जैसी चीजें आती हैं। स्टार्टअप की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए यहां है बेहतर अवसर। स्टार्टअप की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन फॉर इनोवेटर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी निधि TBI और IIT पटना में एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। जिन उद्यमियों के व्यावसायिक प्रस्ताव पसंद आएंगे उन्हें निधि TBI और IIT द्वारा फंड दिया जाएगा। स्टार्टअप की इच्छा रखने वाले ये छात्र कई विभिन्न श्रेणियों से होंगे, जिनमें कृषि, ऊर्जा विनिर्माण, जल संचयन, कृषि या खाद्य तकनीक, प्रोसेसिंग डाटा एनालिटिक्स, AI ML DL या एग्रीटेक में ब्लॉकचेन एप्लीकेशन शामिल है। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। पटना हाईकोर्ट में पहली बार किसी जज का शपथ ग्रहण राजभवन में होने वाला है। बता दें कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस जज का राजभवन में शपथ ग्रहण होने वाला है वह तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी के नाम शामिल है। मालूम हो कि इनका शपथ ग्रहण राजभवन में आज यानी कि 15 मई को सुबह 9:30 बजे होने वाला है। बता दें कि सामान्य रूप से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यपाल राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जब जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को पटना हाईकोर्ट के जज का शपथ दिलाने के लिए अनुमति के लिए पत्र भेजा गया तो राज्यपाल ने राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह करने की बात कह दी। मालूम हो कि आज जज जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। विदेशों की तरह अब बिहार में भी आयोजित होने वाला है अवार्ड शो। भोजपुरी और हिंदी फिल्मी सितारों का जमघट बिहार की धरती पर लगने वाला है। दरअसल 2 दिवसीय नेशनल भोजपुरी अवार्ड शो का आयोजन राजधानी पटना में होने वाला है। बता दें कि इस अवार्ड शो में लगभग 200 कलाकार देश के कई राज्यों से आने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई और बिहार शामिल है। अवार्ड शो को और भी मजेदार बनाने के लिए कई फिल्मी सितारे भी शामिल होने वाले हैं, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, हिमेश रेशमिया और गोविंदा के आने की संभावना है। बिहार में मौसम फिर ले सकता है करवट। बिहार में इन दिनों गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक कमी की बात कही जा रही है, साथ ही साथ पछुआ हवा में कमी आने की बात कही जा रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात मोचा के कारण बिहार में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज और 16 मई को प्रदेश के अलग अलग भागों में दो तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में एक तरफ जहां तेज गर्मी को अलर्ट लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में 1 से 2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही साथ उत्तर, मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बिजली चमकने और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है।
जल्द होगा शिवहर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। बीते 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने शिवहर के छतौना पहुंचे थे। इस दौरान एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई थी। अब मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग जो मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि यह कॉलेज 56 एकड़ जमीन में बनना है। इसके लिए रिपोर्ट भी प्रशासन की तरफ से सरकार को भेजा जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए मिली इन जमीनों में कुछ जमीन दान की है तो कुछ जमीन को लीज पर लिया गया है। पत्नी के पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पत्नी के 16वीं पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने लखन सिंह वाटिका में स्थापित अपनी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा के प्रतिमा पर फूल अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नीतीश के बेटे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उनके यहाँ आते ही कई ग्रामीण वासी उनके पास अपनी समस्या लेकर आए। इस समस्या के जल्द निपटारे का आश्वासन नीतीश कुमार ने ग्रामीण वासियों को दिया है। बताते चले कि यहाँ आने के बाद मुख्यमंत्री के सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर ढंग से की गई थी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे विशाल बुद्ध मूर्ति के बारे में। विशाल बुद्ध मूर्ति बोधगया का एक मुख्य स्थल है। इस मूर्ति को दाइबुत्सु के नाम से भी जाना जाता है। जापानी भाषा में दाइबुत्सु का अर्थ विशाल मूर्ति होता है। बोधगया की पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध मूर्ति को नागोया जापान में स्थित दाई जकोया बुद्ध संस्था द्वारा बनाया गया है। बुद्ध भगवान जी के उपदेश के प्रचार करने के लिए विश्व शांति एवं आनंद के प्रतीक स्वरूप इस विशाल मूर्ति को स्थापित किया गया है। कमल पर स्थित बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर एवं कमल मूर्ति को आधार चुनार के पीले पत्थरों से तथा ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। यह प्रतिमा 64 फीट ऊंची है। कमल की ऊंचाई 6 फुट ऊंची है। आधार की ऊंचाई 10 फीट है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गार्डन देखने के लिए मिलता है जिसके बीच में यह मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा के दर्शन के लिए आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को किया सावधान। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा जब से जदयू का दामन छोड़ा गया है तब से लगातार वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि सीएम नशे में चूर है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी कुर्सी मद्य निषेध विभाग के ड्रोन की तरह लापता हो सकती है। उन्होंने कहा कि शराब खोजने के चक्कर में पुलिस और अन्य एजेंसियों का करोड़ों का बजट लापता हो रहा है। बस अगर लापता नहीं हो रहा है तो वह आपकी इज्जत और शराब तथा शराबबंदी के नाम पर गरीबों पर चल रही बर्बरता है। इसलिए सावधान हो जाइए सर, वरना जो शराब है वह आपकी कुर्सी को लापता किए बिना नहीं मानेगी, क्योंकि शराब के नशे से बड़ा नशा है गरीबों पर जुल्म करने की जिद। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे संतोष मांझी। बीते दिन बिहार सरकार में मंत्री और जीतन राम मांझी के द्वारा 2 दिवसीय परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे संतोष मांझी होंगे। हालांकि इसकी घोषणा चुनाव के बाद की जाएगी। बता दें कि बीते दिन से शुरू हुए इस 2 दिवसीय परिषद के बैठक में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में जीतन राम मांझी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि सोमवार को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, जिसमें उम्मीदवार के रूप में संतोष मांझी होंगे। वहीं जब मीडिया से जीतनराम मांझी से सवाल पूछा गया कि क्या अब वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संतोष मांझी उभरता हुआ चेहरा है। 7-8 सालों से राजनीति का कर रहा है। इनका हर कामों की प्रशंसा मंत्री और एमएलए के रूप में हम लोगों ने चाहा है। हम भी उम्र के अंतिम पड़ाव में है, इसलिए हम अपनी नजरों से इनको कार्य करते देख ले। हम पार्टी का उचित नेतृत्व करने वाला मिल गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी चलते रहेगी और काम करते रहेगी। बाबा बागेश्वर के सामने रोहिणी आचार्य ने इस तरह लगाई अपनी अर्जी की ये मांग। 13 मई से बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेतपाली में शुरू हो चुकी अपने कार्यक्रम हनुमंत कथा को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को ही बिहार पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आज बाबा के दरबार में पर्ची भी निकाली जाने वाली है। ऐसे में इससे पहले राज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के द्वारा भी बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाई गई है। हालांकि यह अर्जी रोहिणी आचार्य के द्वारा ट्वीट के जरिए लगाई गई है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर अर्जी लगाते हुए कहा है कि पर्ची वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले रोहिणी आचार्य के बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के द्वारा बाबा बागेश्वर का पटना आने को लेकर विरोध किया जा रहा था। वहीं अब रोहिणी आचार्य के द्वारा भी ट्वीट कर लिखा गया है कि हां, आरती से याद आया, वोटों की लालच में आसाराम को भी इन लोगों ने पूजनीय घोषित करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया था। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चलाई जा रही विपक्षी एकता की मुहिम पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई नोटिस ले रहा है, उन्हें सभी लोगों के द्वारा नकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी लोग गठबंधन करने वाले हैं। सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव में कोई भी ठगाने वाला काम नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत और उसका असर
2024 लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसका कोई भी असर 2024 के चुनाव में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम निकला इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। ललन सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर दिया बड़ा बयान। बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दरभंगा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे के हाथों में भावी सांसद की तख्ती देखकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू के नेता सिर्फ एक नीतीश कुमार और पार्टी भी एक जदयू है, हम सब केयर टेकर है, इसलिए अगर जिंदाबाद करना है तो सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जेडीयू जिंदाबाद के नारे लगाएं और किसी का नहीं। दरअसल मंच पर पहुंचते ही जदयू कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया और अपने अपने नेता को सांसद प्रत्याशी बनाने को लेकर नारेबाजी करने लगे, जिससे परेशान होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भाषण देते हुए अपनी नाराजगी को व्यक्त किया गया। बता दें कि बच्चों के हाथों में स्लोगन लिखे बैनर की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद का गुजरात टाइटंस से सामना। आज यानी कि 15 मई को आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 62वां मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि दोनों टीमें सीजन में पहली बार आमने सामने आने वाली हैं। अगर इस मैच में जीटी ने जीत हासिल की तो वो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं गुजरात अपनी पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार कर आ रही है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद भी अपनी पिछला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार कर आ रही है। इस वजह से दोनों टीमों का आत्मविश्वास थोड़ा कम होगा। हालांकि दोनों ही जीत के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद लगभग लीग से बाहर हो गई है। टीम अगर अपने बचे हुए तीनों मैचों में भी जीत हासिल कर लेती है तो वो 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी। वहीं गुजरात की टीम ने अपनी 12 मुकाबलों में से 8 में जीत और सिर्फ 4 में हार का सामना किया है। ऐसे में जीटी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए 2 मैचों में केवल 1 में जीत दर्ज करनी होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 20 साल के बाद 2005 में कनाडा में भारत का विमान उतरा। महान क्रांतिकारी शहीद क्रांतिकारी सुखदेव का जन्म 1907 में हुआ। भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वाकर का जन्म 1923 में हुआ। भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का जन्म 1933 में हुआ। आज ही के दिन बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म 1967 में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल हरि विनायक पाटसकर का जन्म 1892 में हुआ। भारतीय नौसेना के जाबाज महेंद्र नाथ मुल्ला अफसरों में एक उनका जन्म 1926 में हुआ। भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा का निधन 1993 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का निधन 1958 में हुआ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत निधन का 2010 में हुआ। आज के दिन को विश्व परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालघर में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आया यह नया फीचर। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर पेश किया है। कंपनी नए फीचर से प्लेटफॉर्म पर मौजूद ग्रुप्स के सब्जेक्ट और उसके विवरण के शब्दों की संख्या को बढ़ाने जा रही है। फीचर एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए तो पहले से ही उपलब्ध हो गया था, जिसके बाद कंपनी अब इसे iOS बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप पर अब iOS बीटा यूजर्स किसी ग्रुप का नाम और उसके विवरण के शब्दों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस नए फीचर से अब यूजर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ज्यादा बड़ा रख सकेंगे। अब यूजर्स अपने ग्रुप का विवरण 512 वर्णों की जगह 2048 वर्णों में कर सकेंगे। इससे ग्रुप एडमिन बेहद आसानी से अपने ग्रुप का विवरण लिख सकेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स को व्हाट्सएप बीटा का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद सभी बीटा यूजर्स के लिए व्हाट्सएप का यह नया अपडेट उपलब्ध हो जाएगा। बीते दिन मादरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मादरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, योगेंद्र रजक, समसाद अहमद, पंकज कुमार दास, अंशु कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अतीक खान, अश्मिता कुमारी, तबरेज आलम, विकास दास, रंजीत, अनवर करीम खान, विवेक कुमार पांडे, ऋतु रानी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र के सड़कों की स्थिति कैसी है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।